हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शॉपहॉलिक ऑन बजट। आज का वीडियो होने वाला है होम डेकोर हॉल फ्रॉम अमेज़न पार्ट 1। ये सारी चीज़ें मैंने लॉकडाउन के टाइम खरीदी थी, इसलिए अगर कुछ डैमेज आया तो भी मैंने उसे रिटर्न या रिप्लेस नहीं किया। और इस हॉल में मैं आपके साथ शेल्फ्स और फ्रेम्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अमेज़न से खरीदे हैं। पहले शेल्फ्स जो है वो है ये सेट ऑफ 3 क्यूब शेप शेल्फ्स इन ब्राउन कलर, और ये ऐसे 2 स्क्वायर छोटे में आते हैं और एक बड़ा। और ये बड़ा वाला जो है वो हॉरिजॉन्टली लगाना था, लेकिन मैंने उसे वर्टिकली लगाया है। इसके पीछे हुक्स ऑलरेडी होते हैं लगाने के लिए, और हुक्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड शाइन वुड एंड मुझे ये कुछ 590 के पड़े। इनकी फिनिशिंग और क्वालिटी ऑफ वुड ठीक ठाक ही है, इतनी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन बाकी जो शेल्फ्स आई थी उससे बेहतर थी। नेक्स्ट सेट ऑफ शेल्फ्स वो है ये हेक्सागन शेप शेल्फ्स, और ये सेट ऑफ 6 है, 3 वाइट और 3 ब्लैक के। बिग साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज आते हैं, दोनों वाइट और ब्लैक के। और एक शेल्फ यहाँ पर है, इस दीवार में लगाया है मैंने, ब्लैक वाला जो सबसे बड़ा है वो इस दीवार में। क्यों इसलिए लगाया, क्योंकि ये ना एक साइड से पूरा क्रैक आया था, मैंने उसको फेविकॉल से लगाया था, इसलिए मैंने वो ज़्यादा दीवार दिखेगी नहीं इसलिए वहाँ लगाया है। दिस इज़ MDF बोर्ड का मटीरियल है, और इसकी फिनिशिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी। और ये सेट ऑफ 6 शेल्फ्स मुझे कुछ 950 के आसपास पड़े, विच इज़ गुड इन द प्राइस। लेकिन अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं होता तो मैं इसको शायद रिटर्न या रिप्लेस करती, क्योंकि फिनिशिंग इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी कलर वलर थोड़ा सा निकला हुआ था, और एक शेल्फ तो बिल्कुल ही ख़राब ही था, मैंने उसको कैसे कैसे लगाया है। नेक्स्ट चीज़ ये है सेट ऑफ फ्रेम्स, ये 10 फ्रेम्स आती है ब्राउन एंड बेज कलर में। इसमें बहुत बड़ी साइज़ है, मीडियम साइज़ है, स्मॉल है, और फिर सबसे छोटी साइज़ है। 5 बेज कलर में, 5 ब्राउन कलर में। फ्रेम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्लास नहीं है उसके ऊपर, वो दूसरा मटेरियल है ग्लास जैसे दिखने वाला। पैकिंग इसकी बहुत सही थी, क्योंकि क्रैक वैक नहीं पड़े इसलिए बहुत ही अच्छे से पैकिंग की गई थी। लेकिन ये मुझे कुछ अराउंड 1500 पड़ा, लेकिन मैं बताती क्यों 1500 पड़ा, क्योंकि फ्रेम्स तो 800-600 तक मिल जाती है, लेकिन उसके साथ ये बर्ड्स मिलने वाली थी और 2 शेल्फ्स मिलने वाले थे। लेकिन आने के बाद मुझे पता चला कि ये इसके पीछे डबल टेप है, ये सिर्फ ऐसे ही MDF बोर्ड का ही है। और ये जो शेल्फ्स है वो बहुत ही दिखने में अच्छे लग रहे थे फ़ोटो में, लेकिन प्रॉब्लम ये निकली, फिनिशिंग और ये भी सब सही था, लेकिन ये जो गैप्स में फ़िट करने का था उसमें फ़िट नहीं हो रहे हैं, ये इसका बहुत ही झमेला हुआ था। और मैंने इसकी पैकिंग वगैरह सब फेंक दी थी, तो मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर सकती थी। ये कैसे कैसे मैंने ठोक ठोक कर लगा दिया है, और वो करते करते टाइम फोर्सली जब मैं उसके अंदर डाल रही थी तो पूरे ऐसे छिलतड़े निकल रहे थे वो वुड के। बहुत ही बेकार क्वालिटी है, और एटलीस्ट उसमें फ़िक्स तो होना चाहिए, क्वालिटी की बात तो छोड़ ही दो, उसमें फ़िक्स तो होना चाहिए। इसमें कुछ रख नहीं सकते वैसे, अगर हम कुछ रखेंगे वास वगैरह तो ये आई डोंट थिंक सो इसका वज़न झेल पाएगा ये वुड। और इसका वुड जो है वो इजीली ब्रेकेबल भी था, क्योंकि जब मैं फोर्सफुली इसको फिट करने की कोशिश करी थी तो ये थोड़ा सा बेंड हो रहा था, तो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि 1500 वेस्ट गए, क्योंकि 10 फ्रेम्स वो भी छोटी थी, इतनी कोई खास बड़ी नहीं थी, और मुझे वो 1500 में पड़ी है। इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग परचेज। फिर मैंने आइडिया लगाई कि मैंने उसको थोड़ा सा पॉलिश करके इसकी थोड़ी सी विथ कम की, सब भूसा निकल रहा है तो थोड़ा सा पतला हो गया और उसमें फिट हो गया। फाइनली जैसे तैसे फिट तो हो गए, लेकिन इसमें कुछ खास रख नहीं सकते डेकोरेटिव, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ हल्का सा सामान देखना पड़ेगा जो इस पर फिट रख सके हम।
दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल आर्ट स्ट्रीट बर्ड्स नेस्ट सेट ऑफ 10 इंडिविजुअल फोटो फ्रेम्स विद 2 पीवीसी वॉल शेल्फ्स। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इस हॉल की है, ये है वॉल क्लॉक। दिस इज विंटेज वॉल क्लॉक यूरोपियन स्टाइल और ये डबल साइडेड डायल है और इसके साथ बैटरी इंक्लूडेड नहीं थी, मुझे बैटरी अलग से लेनी पड़ी। इन लोगों ने कहा था कि बैटरी लग दी जाएगी लेकिन नहीं दी। और बाकी सब तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और बाकी सब बहुत अच्छा है, प्रिटी है, बहुत ही विंटेज लुक दे रहा है, एंटीक और विंटेज लुक है, बहुत प्रिटी है इसका। और ये इसका डायल साइज जो है वो 8 इंच का है, कुछ 1200 के आसपास पड़ी। तो गाइस यही था मेरा अमेज़न होम डेकोर हॉल Part 1 और वेट फॉर Part 2। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।